झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महंगाई और मंदी की मार झेल रहे अमेरिका में वहां के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। विभिन्न रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी कर दी है। 1994 के बाद पहली बार फेड ने 75 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। आपको बता दें कि अमेरिका में महंगाई 40 साल के शीर्ष स्तर पर पहुँच गई है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने आर्थिक सुस्ती से इनकार किया है। यूएस फेड की तरफ से किए गए इजाफे के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक नास्टेक, डाउ जोन्स और NYSE में तेजी देखने को मिली। डाउ 436 अंक तो नास्टेक 470 अंक चढ़कर कल बंद हुआ। आपको बता दें कि अमेरिका में 1980 के बाद महंगाई के रिकॉर्ड लेवल पर पहुँचने के बाद ये निर्णय लिया गया है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की तरफ से कहा गया है कि महंगाई शीर्ष स्तर पर है। इसकी वजह से 1.5% से लेकर 1.75% तक चलने वाले बेंचमार्क रेट को बढ़ाकर 2.25% से 2.5% कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका में महंगाई के 40 साल में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने पर मार्च से अब तक यूएस फेड ने ब्याज दरों में 225 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। अब इसका असर भारत पर क्या होगा? दरअसल अमेरिकी फेड द्वारा 75 बेसिस पॉइंट ब्याज दर बढ़ाने से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। रिजर्व बैंक की समीक्षा बैठक अगस्त के शुरुआत में होनी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फेड के कदम को देखकर ही भारत का रिजर्व बैंक भी कदम उठा सकता है। वहां आक्रामक रेट हाइक के बाद हमारे यहां भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, लिहाजा आपकी EMI से लेकर लोन तक महंगा हो सकता है। वहीं माना यह जा रहा है कि अगस्त में फिर महंगाई की तगड़ी डोज देखने को मिलेगी। बीते माह रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में वृद्धि के झटके से यदि आप अभी तक नहीं उबरे हैं तो तैयार हो जाइए। अगस्त के पहले सप्ताह में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की अगली किस्त लेकर आने वाला है। जानकारों के मुताबिक ब्याज दरों में 0.35% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। ऐसे में अगस्त में आपके होम और कार लोन की महंगाई भी एक बार फिर उफान मार सकती है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बोफा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। वहीं बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए मई और जून में नीतिगत दर में कुल 0.90% की वृद्धि की है। खुदरा मुद्रा स्फीति केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर 2-6% के दायरे से ये बाहर चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।